हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी के क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि 2022 का एग्जाम के लिए है। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि परसों मंगलवार था तो कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। परसों आपका मंगलवार था तो कह रहा अगले जो कल है उसके ठीक बाद कौन सा दिन आएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा दिन आएगा, अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखिए यहाँ पे मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार क्या आ जाएगा, शनिवार, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका, आंख में यदि चश्मा लगता है तो टांग में आपका क्या हो जाए, टांग में क्या लगेगा। आंख में यदि हम लोग चश्मा पहनते हैं तो टांग में हम लोग क्या पहनेंगे, टांग में हम लोग का क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, मोजा, मोजे, वैसाखी की जूते की पैर। तो टांग में हम लोग क्या पहनेंगे, मोजे पहनेंगे, जो भी ऑप्शन है आपका ये रहेगा। करा दी गई श्रृंखला में अगले शब्द को ज्ञात करें। देखिए 8 के बाद 28 दिया हुआ है, अनुपात रेशियो 27 के बाद क्या, 8 के बाद 28 दिया हुआ है, 27 के बाद आपका क्या आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 है, 8 देखिए आपका कितना का क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये देखिए 27, 27 3 का क्यूब 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये देखिए आपका 3 का क्यूब 27 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 1, जो कि आपका हो जाएगा 65। ऑप्शन है आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए सभी प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात करें। देखिए 13 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 6 है, 8 है, 6 है, 4, 6, इसके बाद डॉट, यहाँ पे क्या संख्या आएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 13 6 कितना होता है, 13 6 13 और 6 प्लस 1 करेंगे तो मेरा आपका आ जाएगा 20। 6 3 9 19 हो गया, 19 में 1 जोड़े 20 हो गया। देखिए 8 6 प्लस 6 ये आपका 20 आ जाएगा। उसी तरह अगले वाले में भी देखेंगे तो 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका संख्या आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा। ए एन है, उसके बाद बी ओ है, उसके बाद सी पी है, डी क्यू है, उसके बाद वाट है। देखिए ए के बाद आपका क्या होता है, डी होता है, डी के बाद सी, सी के बाद डी, क्योंकि एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। अब देखिए यहाँ पे एन, एन 14, वो 15, 16, 17, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ए बी बी सी डी आपका इधर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद आपका 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ई आपका ऑप्शन ई आर हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या है। देखिए इसमें लुप्त संख्या निकालना है तो जरा ये लुप्त संख्या निकाल के दिखाइए। ये 81 है, 81 का देखिए क्या होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 49 है, 49 7 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। देखिए 7 इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 9 19, जो कि आपका यहाँ पे 19 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 36, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, ये 110 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस 8 ये आपका हो जाएगा 24। अब देखिए 25 है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। कहने का अर्थ हो गया 5 प्लस 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 5, 5 8 10 5 15, आपका यहां पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है आपका बी नंबर। देखिए यदि 6 × 4 लिखा हुआ 28 और 3 × 3 12 हो तो 7 × 2 क्या हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 2 ये देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा,
24 हो गया, 24 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3, तो 3, 3 को 3 से गुना करके 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी तरह 7 × 2 = 2 कितना है, 7 × 14 = 16, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर। यदि प्रतिदिन समय 2:40 हो रहा तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। देखिए इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यदि यदि समय आपका 12 घंटे का हो, देखिए 12 हम लोग कैसे बजाएंगे, 11:60 लिख सकते हैं, और यदि आपका समय 24 घंटे का हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 23:60। 24 लिखना है तो 23:60 लिखेंगे, 12 लिखना है तो 11:60 लिखेंगे। तो देखिए आपका वास्तविक समय क्या आ जाएगा, 11:60 में हम 2:40 को माइनस कर देंगे, तो 2:40 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2:09, मतलब 9:20, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि एक वर्ष में 1 अक्टूबर को रविवार हो तो एक नंबर वो कौन सा दे, मतलब एक यदि एक वर्ष में 1 अक्टूबर को रविवार हो, एक नंबर को कौन सा दिन होगा, एक नंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अक्टूबर जो होता है कितना दिन का होता है, अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है, 31 में यदि हम कितना से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, 7 × 28 = 3, आपका रिमाइंडर 3 आएगा। रविवार में हम लोग 3 दिन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो कि ऑप्शन है आपका बुधवार, ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगर दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ देखिए 3 है, 4 है, यहाँ 916 है, यहाँ 49 है, 2 है, 3 है, 1 5 वाट, जरा ये करके बताइए क्या होगा, यहाँ पे ये वाट के जगह क्या आएगा। देखिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, लेकिन आपका 916 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब पहले का अंक हो गया आपका कितना आ गया, 916, ये वाला आपका काम हो गया, 916 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 49, जो कि यहाँ पे आपका 49 है। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 125, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या क्या है, देखिए 12 है, 5 है, 10 है, 14 है, 9 है, 16 है, 16 है, 6 है, वाट, ये वाट के जगह में क्या आएगा, ये चीज हम लोग को जानना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 12, उसके बाद 5 है, उसके बाद 10 है, देखिए इसको क्या करेंगे, 12 और 5 है तो 12 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब नीचे कितना है आपका, 10 है, 60 इसमें 10 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50, जो कि आपका यहाँ पे 50 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 × 9 = 14 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 126, 126 में 16 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 110। अब देखिए यहाँ पे 16 × 6 हो जाएगा कितना, 96। अब 96 में देखिए कौन सा संख्या घटाएंगे, आपका 84 आ जाएगा, तो 96 में देखिए हम लोग क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 84, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। देखिए आपका कह रहा दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें, 4 है, 5 है, 3 है, 24 है, 7 है, 6 है, 42 है, वाट, ये वाट के जगह क्या लिखा, 8 है, 6 है, 9 है। देखिए एक फॉर्म लोग चेक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए 4 + 3 + 5, 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे आपका 24 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग देखिए यहाँ पे 7 + 6, अब कौन संख्या लेंगे, 7 × 6 = 13 हो गया, 13 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 13 में यदि 8 जोड़ते हैं, 13 × 8 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 42 आ जाएगा, मतलब यहाँ कहने का अर्थ हो गया आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या क्या है, देखिए 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 20, इस 8 पे क्या आएगा वो चीज जानना है।
देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, ये देखिए दो है तो दो कैसे लाएंगे, एक का स्क्वायर करेंगे एक जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा, उसके बाद देखिए दो दो का स्क्वायर करेंगे दो जोड़ेंगे तो छह आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह तीन का स्क्वायर करेंगे तीन जोड़ेंगे तो बारह आ जाएगा, चार का स्क्वायर करेंगे चार जोड़ेंगे तो बीस आ जाएगा, जो की ऑप्शन है आपका सी नंबर। क्योंकि आगे वाला देख लेते हैं, मान लीजिए पांच का स्क्वायर करेंगे पांच जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तीस, यही आपका आ गया ट्वेंटी, जो की सी नंबर ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज का हम लोग पॉइंटिंग कैसे करते हैं, देखिए नीचे वाले सतह को पहले देख लेते हैं कितना है, ठीक है, एक दे दिए दो दे दिए चार दे दिए, अब टोटल जोड़ी आती है चार तीन सात दो नौ ये दस, आपका कितना आ गया ये दस आ गया। उसी तरह ये देखिए ये वाले सतह में देखिए कितना त्रिभुज है, एक दो तीन चार ये भी हो गया दस, आपका कितना हो जाएगा ये दस और ये दस कितना आ जाएगा आपका, ये आपका बीस आ जाएगा, जो की ऑप्शन है आपका बी नंबर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।